ये मेरी मम्मा काफी खुश हो रही हमें देख के, हमारी ऐसी हालत है कि क्या करें, इतने ज्यादा शूज हमें धोने पड़ रहे हैं। दोपहर में हमारे साथ ये शूज धुलवाए जा रहे हैं। चलो मोटर चालू कर दो ताकि मोटर चालू कर नहीं लेवा उतारा भी मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं मयंक 13 व्लॉग्स, और आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। गाइस अभी तो दिन हो रहा है, दोपहर हो गई है। कई दिनों से हम लोग तो शादी में घूम रहे हैं, नाइट में डीजे में घूम रहे हैं, कभी कभी बैंड में जा रहे हैं, लेकिन हमारे शूज़ की हालत ऐसी हो गई है कि क्या ही बोले, पुराने हो गए हैं। और आज हम सारे शूज़ धोने वाले हैं। वैसे तो हम लोग मस्त मजा कर रहे थे पहन पहन के, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा पतली हालत हो गई है कि मम्मा धो नहीं दे रही, तो आज हमें खुद से सब धोना पड़ेगा। एक जोड़ी दो जोड़ी गाइस ऐसे हो गया, वाइट शूज़ है तो क्या करें। दिक्कत वाली बात यही है कि जैसे ही एक बार निकले बाहर तो पूरे गंदे हो जाते हैं, तो आज सभी धोने पड़ेंगे। ये देखो, ये बैंड वाली हालत मेरे भाई ने की थी, ये पहन लिया था तो उसने पूरा धूल चला दिया है, तो इसको भी धोना पड़ेगा। तीन जोड़ी चार जोड़ी हो गया, अभी एक ये है पाँच जोड़ी, और ये साथ में छह वाला, तो एक तगड़ा भर के रेडी हो गए हैं सभी, और इसको भी धोने के लिए नीचे लेकर जा रहे हैं। ये मेरी मम्मा काफी खुश हो रही हमें देख के, हमारी ऐसी हालत है कि क्या करें, इतने ज्यादा शूज हमें धोने पड़ रहे हैं, और हमारी हंसी मजाक यहाँ पे उड़े ही जा रही है। ये सब काम हमें काफी मजा आ रहा है मेरी मम्मी का। और दोपहर में हमारे साथ ये शूज धुलवाए जा रहे हैं। चलो मोटर चालू कर दो ताकि मोटर चालू कर नहीं लेवा उतारा भी मैं। चलो मोटर चालू कर दो, चौबीस घंटे पानी आता है हमारे घर पे, तो अभी मोटर चालू कर रही है। सभी शूज को हम लोग एक साथ धोने वाले हैं आज घर। दोपहर में 2 बजे का टाइम हुआ है अभी, गाइस ऐसे वाइट वाइट शूज लाने की दिक्कत यही होती है कि साला ऐसे बिगड़ जाते हैं कि क्या कर, दूसरे दिन पहन नहीं सकते इसको। चले गाइस इसमें पानी भर दिया, अभी हमारा हथियार निकाल दिया, ये 2 ब्रश ले लिया है मैंने, और साथ में ये साबुन है, और ये रहा पाउडर, तो अभी पाउडर को इसमें डाल देते हैं मस्त एकदम। पाउडर भी आज खत्म हो गया है, अभी पाउडर इसमें डाल दिया, और हमारा बैठने के लिए देसी स्टैंड ले लिया है मैंने, बस अभी अच्छे से हम लोग इसको धो सकेंगे। ये नया वाला है तो इससे ही चालू करते हैं। आप लोगों ने भी कभी घर पे ऐसे धोया होगा तो जरूर से कमेंट कर देना कैसे मजे आते हैं इसमें, क्या दिक्कत आती है धोने में, और वो सारी चीज़ें। अभी थोड़ा इसको देखने की इच्छा हो रही है कि पूरा वाइट वाइट हो गया है ना, पूरा ऐसा इतना ज़्यादा बिगड़ गया था, पूरा मिट्टी वाला हो गया था ये मस्त। पानी भी पूरी तरीके से कॉफ़ी वाला हो गया है, ये देखो जाग और कॉफ़ी दोनों मिक्स, कोल्ड कॉफ़ी जैसी हालत थी इसकी, ये देखो। धोते जाओ ब्रश मारते जाओ शूज चमकते जाएंगे ऐसे, तो
का गला बैठ गया था तो अभी थोड़ा अच्छा हुआ है। 2-3 दिन से दवाई ले रहा हूँ तो अभी थोड़ा ठीक हुआ हूँ, वरना ऐसी हालत हो गई थी कि कुछ बोला ही नहीं जा रहा था मुझे, लेकिन अभी हालत अच्छी हो गई है मेरी। और अभी तो इतनी ज़्यादा धूप है कि क्या करें, इतने ज़्यादा धूप में काम करना पड़ता है कि गैस कैसे काम करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन कभी कभी काम करने तो जाना पड़ेगा, तभी पैसा आएगा, तभी फिर से अच्छे से सोच पाएंगे कि हम लोग घूमने के लिए जा सकेंगे, वरना घर पे बैठा रहना पड़ेगा। अभी मेरे पापा के बूट लेने जा रहा हूँ मैं, अभी इतनी देर के कैमरा ही संभल रहा था मैं तो। एक जोड़ी जूते रह गए थे मेरे पापा के, वो भी धो देंगे अब मेरे भाई। आज जग ज्यादा ही धूप है। गाइस ये ब्लैक शूज की सबसे अच्छी बात है कि बिगड़ते ही नहीं है, मस्त है, लाके ऐसे मस्त पटक दिया और वो ठीक हो जाएंगे। फिर एक मस्त थोड़ा सा कट का इसको लगा दिया, मस्त पहन के चले जाओ, लेकिन वाइट शूज में बहुत दिक्कत आती है। ये देखो गाइस कॉफी, सभी सूज को अभी इसको सुखाने वाले हैं। चंपा प्लांट का यूज करने वाले हैं लोग, बस तो अभी एक लगा दिया है, इसमें दूसरा कौन सा जाएगा, थोड़ा हल्के हल्के वाले हैं वो उसमें डालेंगे। गाइस ये लास्ट वाला है फाइनली, और सारे शूज धोकर हम लोगों ने मस्त रख दिए हैं, अभी 2-3 घंटे लग जाएंगे इसको सुखाने में। आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आपके मेरे जैसे सभी दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मेरे अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करता हूँ, तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।